हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से, और इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, और इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। ये कहानी एक 8 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम है वल्ली अम्मई, लेकिन इस कहानी में उसका एक शॉर्ट नेम भी है और वो है वल्ली। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये जो 8 साल की लड़की जिसका नाम वल्ली है, इसे बहुत सारी नई नई बातों के बारे में जानने की इच्छा होती है, और इसका फेवरेट पास टाइम होता है घर के बाहर दरवाजे पे खड़े होके बाहर होती नई नई चीज़ों को देखना। इसके साथ खेलने वाले कोई इसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। वल्ली के लिए सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो थी वो थी एक बस को हर रोज़ देखना। ये बस उसके गाँव से बाहर शहर की तरफ चलती थी और हर एक घंटे में वो बस आती जाती रहती थी, और वल्ली को बड़ा मज़ा आता था उस बस में बैठे पैसेंजर्स को देखना कि हर घंटे कुछ नए पैसेंजर्स को वो देखा करती थी। और हर रोज़ ऐसा देखने पर उसके मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना एक दिन वो भी इस बस की सवारी करे, और उसकी ये इच्छा धीरे धीरे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में बढ़ गई। कई बार ऐसा भी होता था कि वल्ली की कोई फ्रेंड यदि बस में सफ़र करती थी और उसके बाद उस सफ़र के बारे में वो वल्ली को बताती थी, तो वो उससे काफ़ी जेलस फील करती थी कि वो तो बस में अभी तक नहीं जा पाई है और ये उस बस के एक्सपीरियंसेस की बात कर रही है, तो वो उसकी बात पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से प्राउड प्राउड कह के चिल्लाने लगती, और किसी को उसका मीनिंग पता नहीं था। बट वल्ली के लिए ये एक तरीके का डिसअप्रूवल होता था कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्योंकि वल्ली उस बस में सवारी करना चाहती थी, तो उसने धीरे धीरे उस बस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसने अपने आसपास के नेबरहुड से उस बस की सवारी की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी, और धीरे धीरे उसे पता चला कि जिस टाउन तक ये बस जाती है उससे उसके गांव का जो डिस्टेंस है वो 6 miles है, और इस बस का किराया जो है वो 30 paise है, लेकिन ये 30 paise का अमाउंट वल्ली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस पूरी सवारी करने में कितना समय लगेगा, जो कि 35 minutes थे। तो उसने अपनी एक पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे वो इस बस में एक दिन जर्नी करेगी। और फिर एक दिन दोपहर में वल्ली अपने गांव से निकली और जाकर के बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई, और बस के पास पहुंचकर उसने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स जो उसने इकट्ठे किए थे बस का किराया वो दिखाना शुरू करा। अब जो ये बस का कंडक्टर है वो एक बहुत ही हंसमुख इंसान है, और वो वल्ली से कहता है कि तुम पहले बस में जाके बैठ जाओ, अपनी सीट ले लो। अब क्योंकि ये दोपहर का समय था और वल्ली बस में दोपहर में सफ़र करने जा रही थी, तो बस के अंदर जो और पैसेंजर्स थे वो ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर ही उस बस में सफ़र कर रहे थे। उसके बाद जब वल्ली बस में चढ़ी तो कंडक्टर ने बोला, अरे अरे भाई, मैडम के लिए रास्ता छोड़ो और इन्हें बैठने दो, और उसके बाद वो बाकी के पैसेंजर्स के साथ हंसने लग गया। वल्ली को ऐसा देख करके लगा कि जैसे वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, और वो एक तरफ जाके बैठ जाती है। उसके बाद कंडक्टर ज़ोर से सीटी बजाता है, जैसे कि वो सिग्नल देता है कि अब सब पैसेंजर्स बस में बैठ गए हैं और अब बस चलने के लिए तैयार है। अब बस में अंदर बैठने के बाद वल्ली ने धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू किया। उसने देखा कि सीट्स कितनी नरम हैं, कितनी कंफर्टेबल हैं, सामने शीशे के ऊपर एक छोटी सी घड़ी लगी हुई है। फिर उसने बाहर की तरफ जब देखा तो क्योंकि खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, वो थोड़ा सा खड़े होकर उसने बाहर देखना शुरू करा, और जब उसने बाहर देखा तो देखा छोटी सी एक नहर है और बहुत सारे पेड़ हैं और नीला आकाश उसको दिखाई दे रहा था। अब उस बस में एक काफ़ी ओल्ड मैन थे जिन्होंने वल्ली को देखा, और उन्हें लगा कि ये एक छोटी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है और अकेले सफ़र कर रही है, तो उन्होंने उसे बच्ची कह के बुलाया। और ऐसा सुनकर वल्ली ने उनको एकदम से गुस्से में देखा और कहा कि यहाँ पे कोई बच्ची बच्ची नहीं है, मैंने भी यहाँ सबकी तरह पूरा किराया दिया है। और ये बात सुनकर के कंडक्टर हंसा और बोला, हाँ भाई, ये बच्ची नहीं है, ये तो एक मैडम है। उसके बाद वल्ली ने कंडक्टर को गुस्से से देखा, उसने कहा, मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूँ और अभी तक तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिया है। फिर ऐसा सुनकर कंडक्टर ने हंसते हुए उसको एक टिकट दे दिया।
और फिर कंडक्टर ने भी वल्ली को समझाया कि वो अपनी सीट पे बैठ जाए, क्योंकि जब बस आगे जाके थोड़ा सा मुड़ेगी या कहीं पे तेज़ी से चलेगी तो उससे वो गिर सकती है। इस पर वल्ली ने कहा कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। अब थोड़ी देर में बस अगले स्टैंड पे रुकी और उस स्टैंड से एक और ओल्ड लेडी, एक बुज़ुर्ग महिला उस बस में चढ़ी और चढ़ने के बाद वो वल्ली के साथ उस सीट पे बैठ गई। और फिर उस महिला ने, उस ओल्ड लेडी ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम अकेले सफ़र कर रही हो और इस तरीके से तुम्हारा अकेले सफ़र करना ठीक नहीं है। और जब वो ओल्ड लेडी वल्ली से बात कर रही थी तो उसके उसके मुंह में सुपारी थी और बात करते करते सुपारी का जो पानी था वो उसके मुंह से बाहर आने लग गया। ये देख के वल्ली को बहुत ख़राब लगा और उस बुज़ुर्ग महिला की बात सुनकर कंडक्टर ने भी कहा कि हाँ ये बहुत छोटी है पर इसके पास टिकट है। ये सुनकर वल्ली ने कहा कि तुम बार बार क्यों मेरी बातों में ध्यान लगा रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तुम टिकट क्यों नहीं बेचते। और उस बुज़ुर्ग महिला के ऐसे सुनने पर कि वल्ली को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए, वल्ली ने उसे उत्तर दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना ध्यान रख सकती है, और फिर गुस्से में अपना मुंह मोड़कर वो खिड़की की तरफ बैठ गई। वल्ली ने इस जर्नी के लिए, इस सफ़र के लिए बड़ी ही मुश्किलों से पैसे बचाए थे। कभी गुब्बारे ना खरीदने की इच्छा व्यक्त करके, कभी झूले ना झूलने के लिए, कभी बाहर से टॉफ़ी या मिठाई ना लेने के लिए, यहाँ तक कि उसने कोई झूला भी नहीं झूला था, जिससे उन सब चीज़ों से वो पैसे बचा करके इस बस में सफ़र कर सके। तो उसने बड़ी ही मुश्किलों से वो 30 पैसे जमा किए थे। अब आपको बड़ा अचंभा लग रहा होगा कि 30 पैसे इतनी बड़ी चीज़ है। हाँ, ये कहानी उस समय की है जब 30 पैसे भी बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। वल्ली जब बस में सफ़र कर रही थी, जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो इतने सारे जो पेड़ हैं वो सब उसके साथ साथ दौड़ रहे हों, उसके साथ साथ चल रहे हों। आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस कई बार किया होगा, जब कभी भी आप गाड़ी में, कार में या बस में या ट्रेन में बैठे होंगे तो जब आप खिड़की से बाहर देखते हो तो मानो ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ देख रहे हो वो आपके साथ साथ चल रही है। तो वल्ली को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मानो आसपास में जो पेड़ हैं वो सब उस बस के साथ, उसके साथ दौड़ रहे हैं। अब जब वो बस टाउन से विलेज की ओर वापस जा रही थी तो उस बस के आगे एक गाय आ गई, और अब बस वाला जो ड्राइवर था वो उस गाय को बार बार हॉर्न दिए जा रहा था, लेकिन गाय कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी मस्त चाल में उस बस के आगे आगे चल रही थी, उसकी चाल की वजह से बस भी धीरे हो गई और वो भी धीरे धीरे चलने लगी। और वल्ली को ये सब देख के बड़ा मज़ा आ रहा था कि गाय कैसे आगे आगे बस के चल रही है और किस तरीके से ड्राइवर परेशान होकर के उसे हॉर्न बजाए चले जा रहा है, लेकिन गाय जो है वो नहीं सुन रही है। और ये सब देख के वल्ली को इतना मज़ा आता है कि वो तालियां बजानी शुरू कर देती है। और फाइनली जो वो बस होती है वो शहर पहुंच जाती है और फिर वो कई जगह से होके गुजरती है। आपने भी देखा होगा कि जो इंटरस्टेट बसेस होती हैं, जब वो गांव के अंदर से गुजरती हैं तो जहां जहां पे भी रेल की पटरियां होती हैं वहां पे वो सिग्नल नीचे गिरा दिया जाता है, सिग्नल डाउन कर दिया जाता है जब कोई ट्रेन आने वाली होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि फाटक गिर देना। तो जो बैरियर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फिर सब लोग इंतज़ार करते हैं जब तक कि ट्रेन गुजर नहीं जाती। तो इसी तरीके से वल्ली भी जिस बस में बैठी थी वो भी एक जगह आके रुकती है और वल्ली आसपास की दुकानों में देखती है तो उसे बड़े सारे खिलौने नज़र आते हैं, तरी तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। ये देखकर वो एकदम से ऐसे सरप्राइज होकर उन सब चीज़ों को देखने लगती है। और फिर इस तरीके से ये बस शहर पहुंचती है और कंडक्टर कहते हैं कि भाई अब ये शहर आ गई है, अब तुम बस से उतरो। तो वल्ली कहती है कि नहीं, वो इसी बस से वापस गाँव जाएगी। और फिर वल्ली ने वापस जाने के लिए कंडक्टर को और सिक्के दे दिए टिकट खरीदने के लिए। और फिर वल्ली और कंडक्टर के बीच बातचीत शुरू होती है। कंडक्टर वल्ली को कुछ पीने के लिए पूछता है क्योंकि गर्मी का समय था, लेकिन वल्ली कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पीना है, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं। तो कंडक्टर कहता है कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री ये पीने के लिए दे रहा है, अपनी तरफ से ये कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वल्ली उसकी ऑफ़र को मना कर देती है। उसके बाद कंडक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ परेशान नहीं होगी, तुम्हें ढूंढेगी नहीं। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। और वो फिर वेट करती है दोबारा बस के वापस चलने की।
और जब बस वापस गांव की तरफ जा रही थी तो वल्ली ने देखा कि एक गाय सड़क पे मरी हुई है, और उसने कंडक्टर से जल्दी से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले उनकी बस के आगे चल रही थी। उस गाय को किसी तेज चलने वाली गाड़ी ने सड़क पे हिट कर दिया और मार दिया। ये सुनकर कंडक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए बोला कि हाँ, ये वही गाय है। और ये सुनकर वल्ली एकदम से उदास हो गई। उसने देखा कि ये गाय पहले कितनी अच्छी लग रही थी जब ये बस के आगे ऐसे भाग रही थी, और अब ये उतनी ही खराब और बुरी लग रही है जब ये मर गई है। और ऐसा दृश्य देखकर, ये सीन देखकर वल्ली एकदम उदास हो जाती है। और इसके बाद बस वो एक ही जगह एक सीट पर चिपक के बैठ जाती है। उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है उस गाय को मरा हुआ देख के। उसके बाद बस गांव पहुंचती है और वो बस से नीचे उतरती है। कंडक्टर उसको बोलता है कि उसका जब भी मन करे दोबारा बस में सवारी करने का तो वो आ सकती है। और जैसे ही वल्ली अपने घर पहुंचती है तो वो क्या पाती है कि उसकी जो माँ है वो वल्ली की एक आंट होती है, चाची होती है, उनसे बातें कर रही होती हैं। और वल्ली को देख के वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ थी, बट वल्ली कोई भी जवाब नहीं देती है और मुस्कुरा करके बस वहाँ से चल देती है। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि वल्ली एक छोटी लड़की ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी उम्र से बड़ी है। मतलब उसको बहुत सेंसिटिव है, उसे चीज़ों के बारे में जानना है, उसे चीज़ों के बारे में पता है, और उसे हर छोटी बड़ी चीज़ जो आसपास हो रही होती है उसे बहुत अफेक्ट करती है। वो और छोटे बच्चों की तरह नादान नहीं है कि उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, और अब जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उनके आंसर इजीली कर सकेंगे।